इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरिंदा पार्श्वनाथ ट्रस्ट परिवार, अध्यक्ष श्री सुरेश हिंसावत, कोषाध्यक्ष श्री कमल कुमार सागोटिया, सचिव श्री अनिल अखावत। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर और उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजमार्ग से 12 किलोमीटर अंदर दूरी पर स्थित है श्री अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर। भारत में ये सिर्फ एकमात्र पार्श्वनाथ मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसका कारण ये है कि भूगर्भ से ये प्रतिमा दक्षिण मुखी स्थिति में प्राप्त हुई थी। तालाब किनारे पर बने लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर जी में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। सदियों से अरिंदा पार्श्वनाथ जी भक्तों के लिए एक अटूट श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैन समाज ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज भी प्रभु के दर्शन मात्र से अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का रमणीय वातावरण सुख शांति की तो अनुभूति कराता ही है, साथ ही साधु संतों की तप साधना के लिए ये उपरोक्त स्थान भी माना जाता है। इसी परिसर में परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतू सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कैलाश पर्वत, सुमेरु पर्वत, पद्म सरोवर, पार्श्व पद्मावती मंदिर, नंदीश्वर दीप, मान स्तंभ एवं यंत्रों का निर्माण कराकर सन 1993 एवं 1995 में प्रतिष्ठा करवाई। भक्तों को इस क्षेत्र पर मूल नायक भगवान के मंदिर सहित अन्य 6 मंदिरों एवं 125 प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। अरिंदा पार्श्वनाथ जी का वार्षिक मेला पौष दशम एवं 11 को लगता है। क्षेत्र पर प्रतिदिन श्रद्धालु श्री अरिंदा पार्श्वनाथ जी की मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आप भी ऐसे ही अतिशयकारी अरिंदा पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा का पुण्य लाभ उठाएं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री भीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पारस्थितंकराय द्वादश गण परिष्ठराय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनाय परम सुखाय त्रिलोकाय मही प्राप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत सुखाय अनंत वीराय त्रिलोकाय वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धन्यन्न भंड मंडल मणिताय ऋषिका श्रावक श्राविका चतुर्भुज संगनाशाय घाती कर्मनाशाय अघाती कर्मनाशाय अभायाम मृत्याम आतिकामा रातिकामा क्रोधाम सर्व उपसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वभयाम अग्निभयाम सर्वशत्रुभयाम सर्वराजभयाम सर्वचोरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वमृगराजभयाम सर्वमचक्रमभयाम सर्वपरमन्त्राम सर्वशूलरोगाम सर्वक्षयरोगाम सर्वकुष्ठरोगाम सर्वक्रूरोगाम सर्वनर्मार्याम सर्वगजमार्याम सर्वस्वमार्याम सर्वगोमार्याम सर्वमहिषमार्याम सर्वधानमार्याम सर्ववृक्षमार्याम सर्वगुलमार्याम सर्वपत्रमार्याम सर्वपुष्पमार्याम सर्वफलमार्याम सर्वराष्ट्रमार्याम सर्वदेशमार्याम सर्वविश्वमार्याम सर्वेतालशाकिनीभयाम सर्ववेदिन्याम सर्वमोहिन्याम सर्वकर्माष्टकाम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेज बलो शौरवीर शांति सर्वजनानंदनाम सर्वभव्यानंदनाम सर्वगोकुलानंदनाम सर्वग्राम नगर खेट करवट मतलब पतन द्रोह सर्वानंदनाम सर्वलोकनानंदनाम सर्वदेशनानंदनाम सर्वयजमानंदनाम सर्व दुख अनाना दादा दा पचपट कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम इति लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षय मरव्यम स्वस्ति रस्तु विदिते सिमस्तु कुलगोत धन धान सदास्तु
चंद प्रभु बांसुभुज मल्लिनाथ वर्तमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुव्रत नैमिनाथ पारसनाथ इते मंत्रो नमः इते मंत्रो नवग्रह गंधोता वर्षणम विक्रम संवत 2079 का आशुष कृष्ण पक्षे अमावस्या दिन शनिवार रविवार शांति धारा कर्ता श्रीमान डॉक्टर महेश कुमार जी जैन धर्म पत्नी श्रीमती मीनू जैन पुत्र अतुल जी जैन पुत्र अनिवेश जी जैन निवासी हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर वालों की तरफ से आज की शांति धारा करोमी स्वाहा। शंभुज का नाम प्रतिपाल का नाम अति सामान्य तपोधनान देश से राष्ट्र में पुरुष राज्यम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र बोलो अरिंदा पारसनाथ भगवान की जय बोलो चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो गणाधिपति गणेन्द्राचार्य 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय सेवा आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं कदा ओम ईम श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान साक्षात विराजमान मूल नायक अड़िंदा पारसनाथ भगवान के चरणों में शांति धारा निमित्त अर्घम निर्पाम दी। क्षेत्र हमारे परिवार से पीढ़ियों से यहाँ पर दर्शन करते आ रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहाँ की चमत्कारिक प्रतिमा अतिशयकारी प्रतिमा का हम लोग यहाँ पर जब दर्शन करते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमारी मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है और ये प्रतिमा बहुत अतिशयकारी है, बहुत चमत्कारी है। हमारे सभी मनोकामनाएं यहाँ दर्शन करने से पूर्ण होते हैं। जय हो अड़िंदा पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अड़िंदा पार्श्वनाथ ट्रस्ट परिवार अध्यक्ष श्री सुरेश हिंसावत कोषाध्यक्ष श्री कमल कुमार सागोटिया सचिव श्री अनिल अखावत। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर और उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजमार्ग से 12 किलोमीटर अंदर दूरी पर स्थित है श्री अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर। भारत में ये सिर्फ एकमात्र पार्श्वनाथ मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसका कारण ये है कि भूगर्भ से ये प्रतिमा दक्षिण मुखी स्थिति में प्राप्त हुई थी। तालाब किनारे पर बने लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर जी में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। सदियों से अड़िंदा पार्श्वनाथ जी भक्तों के लिए एक अटूट श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैन समाज ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज भी प्रभु के दर्शन मात्र से अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का रमणीय वातावरण सुख शांति की तो अनुभूति कराता ही है, साथ ही साधु संतों की तप साधना के लिए ये उपरोक्त स्थान भी माना जाता है। इसी परिसर में परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कैलाश पर्वत सुमेरु पर्वत पद्म सरोवर पार्श्व पद्मावती मंदिर नंदीश्वर द्वीप मान स्तंभ एवं यंत्रों का निर्माण कराकर सन 1993 एवं 1995 में प्रतिष्ठा करवाई। भक्तों को इस क्षेत्र पर मूल नायक भगवान के मंदिर सहित अन्य 6 मंदिरों एवं 125 प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। अड़िंदा पार्श्वनाथ जी का वार्षिक मेला पौष दशम एवं 11 को लगता है। क्षेत्र पर प्रतिदिन श्रद्धालु श्री अड़िंदा पार्श्वनाथ जी की मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आप भी ऐसे ही अतिशयकारी अड़िंदा पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा का पुण्य लाभ उठाएं।